हेलो। तो भाई हाल है सबका। तो करा शुरू। तो आज हम बात करेंगे सोयाबीन में किए जाने वाले सेकेंड स्प्रे के बारे में, जो कि किया जाता है 40 से 45 दिन के अंतराल में। और लगभग आज हम जो हमारे प्लॉट में स्प्रे कर रहे हैं उसी के बारे में बात करेंगे, जो कि एक काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। और साथ ही साथ हम इस बार थोड़ा सा फंगीसाइड भी जल्दी दे रहे हैं, जो कि हम डबल देंगे। बाद में हम जो डालेंगे वो रहेगा प्राइक्सर, पर अभी एक हल्का फंगीसाइड भी दे रहे हैं, क्योंकि अभी बारिश ज़्यादा होने के कारण इस बार रस्ट भी देखने को मिल रहा है। इस वजह से हम इस बार डबल फंगीसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम कि कौन सा इंसेक्टिसाइड दे रहे हैं। तो अभी हम डाल रहे हैं इमामेक्टिन बेंजोएट 5%, प्रोफेनोफास 50%, और एक साथ में हमने हल्का वाला फंगीसाइड लिया है जो कि है थायोफेनेट मिथाइल 70%। तो लगभग ये तीनों का कॉम्बिनेशन करके दे रहे हैं, तो जो कि एक काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जो कि फंगीसाइड हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा रस्ट देखने को मिल रहा है, जिसके लिए हम एक हल्का फंगीसाइड दे रहे हैं। और जो आने वाला हमारा जो डोज रहेगा उसमें हम प्रैक्सर का इस्तेमाल करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं इन कंटेंट के डोज के बारे में कि एक बीघे में कितना क्या डलता है। तो इमामेक्टिन एक बीघे में हम डाल रहे हैं 40 ग्राम बीघा। इसके बाद प्रोफेनोफास हम डाल रहे हैं एक बीघा में 100 ग्राम बीघा। इसके बाद हमने जो फंगीसाइड लिया है वो लिया है हमने एक बीघा का 120 ग्राम बीघा। तो लगभग इन तीनों का कंटेंट हम कुछ इस प्रकार डाल रहे हैं। तो और इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनके कंट्रोल का। तो लगभग ये सभी प्रकार के कीटों जैसे कि हरी इल्ली, काली इल्ली पर बहुत ही आसानी से काम करता है। और लगभग इनके बात करें अवधि की, तो लगभग इमामेक्टिन और प्रोफेनोफास इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके लगभग ये 12 से 15 दिन तक अपने खेत में बहुत ही आसानी से कंट्रोल सभी कीटों को कंट्रोल करता है। तो लगभग यही कुछ था मेरा कम बजट पर बेहतर रिजल्ट का सेकेंड डोज। अगर आपको मेरा ये डोज का कॉम्बिनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और आपको मेरे वीडियो में थोड़ी सी भी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इसी के साथ मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ।